तेज रफ्तार ट्रैक्टर से मासूम को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बजरिया निहाल निवासी रिजवान की पत्नी सोनम अपनी सास नगीना व जेठानी सकीना तथा अपने पुत्र 2 वर्षीय अलीशान जियान के साथ जनपद कन्नौज के गुरसहायगंज समधन में मुख्तियार के घर दावत खाने गई थी। वहां से वह सीएनजी टेम्पो से वापस लौट रही थी। कमालगंज के रजीपुर में टेम्पो की गैस खत्म हो गई, जिस पर टेम्पो चालक ने सभी सवारियां उतार दी। उसी दौरान कमालगंज से खुदागंज की ओर जा रहे ट्रैक्टर चालक ने मासूम अलीशान को कुचल दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। सूचना पर थानाध्यक्ष अमरपाल सिंह मौके पर पहुंचे और घायल अलीशान को सीएचसी लेकर आए, जहां चिकित्सक मान सिंह ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां सोनम, पिता रिजवान, चाची जीनत, दादी नगीना, चाची शकीना, भाई जीनन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। कहाँ रहने वाले हैं आप? फर्रुखाबाद के। तो आपका बच्चे के एक्सीडेंट कैसे हो गया? बच्चा आपका कहाँ आया था? पता नहीं, दुकान थे। तो आपका बच्चे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कुछ तो पता लगा हुआ। हाँ, बच्चे का क्या नाम था? अलीशान। कितने वर्ष का बच्चा था? 2 साल का। क्या प्रतीत हो रहा? ट्रैक्टर से हुआ किसी अज्ञात वाहन? ट्रैक्टर से बता रहे हैं। ट्रैक्टर से बता रहे हैं। तो आप यहाँ कहाँ पे लेके आए हैं? जी, हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए हैं। एक्सपायर हो गया बच्चा जी? तो आपको मतलब पीएम नहीं कराना चाहते क्या? अभी मेरे चाचा जी आ रहे हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा, वही बताएंगे। अच्छा, तभी कराएंगे आप? ठीक ठीक है।